बंधुओं सब्सक्राइब पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी पर भी क्लिक करें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। ओह नमस्कार बंधु, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप सभी बंधु? आज के वीडियो में हम कुछ उपाय व टोटके बताएंगे जिसको यदि नियम व सटीकता से किया जाए तो लाभ अवश्य मिलता है। जिन लोगों का प्यार उन्हें छोड़कर जा चुका है या फिर कम बात करता है या करती है या बहुत ही कम रुचि लेने लगे हैं प्यार में, पहले जितना प्यार नहीं रहा है या फिर बिल्कुल ही छोड़कर जा चुके हैं, तो उनको अपना प्यार वापस पाने के लिए ये कुछ हम टोटके व प्रयोग बताएंगे इस वीडियो में। प्यार को वापस पाने के लिए हम आपको विभिन्न उपाय बताएंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी तीन उपाय अलग अलग दिन कर सकते हैं। यह उपाय पति पत्नी के लिए भी है और साथ ही साथ ये बता दें कि यदि आपका दोस्त आपको छोड़ चुका है और आप चाहते हैं कि आप उससे दोस्ती दोबारा करना चाहते हैं, वापस आना पाना चाहते हैं अपने दोस्त को, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वह तमाम उपाय। उपाय नंबर एक, सबसे बड़ी बात जो हम आपको बताना चाहेंगे कि आपकी अगर जो हमें समस्याएं बताई हैं उनमें से कोई आपकी समस्या है तो आपकी समस्या का सबसे पहला व सरल उपाय यह है कि आपको हमेशा अंगूठी में पुखराज रत्न धारण करना चाहिए। आपको हमेशा अपनी अंगूठी में पुखराज रत्न पहनना चाहिए और हो सके तो महीने में एक बार बुधवार को व्रत रखना ना भूलें, जिसमें आप फल खा सकते हैं, उस व्रत में आप फल खा सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं उपाय नंबर दो। 21 सोमवार को चने की दाल व कच्चे दूध का दान करें। 21 सोमवार को आप किसी को भी दे सकते हैं, किसी को, गरीब को, भिखारी को, किसी को आप जिसको देना चाहें आपको दान दे सकते हैं, चाहे तो आप मंदिर में भी दे सकते हैं। तीसरा उपाय, यदि आप स्त्री हैं और आप किसी विवाह में जाती हैं तो यदि वहाँ पर दुल्हन को मेहंदी लग रही हो तो आप कुछ मेहंदी उस दुल्हन के हाथ से जरूर लगवा लें अपने हाथ पर। वो अब चलते हैं अपने चौथे उपाय की तरफ। शुक्रवार की रात को 8 छुआरे। हमसे कई बंधु पूछते हैं कि छुआरे क्या होते हैं, उसको इंग्लिश में कहा जाता है, अंग्रेजी में डेट्स। तो शुक्रवार की रात को 8 छुआरे जल में अच्छी तरह उबालकर किसी बर्तन में डालकर अपने सिरहाने रखते हैं, सोते समय अपने सिरहाने पर रखते हैं। और शनिवार को बहते जल में इन छुआरों को जल सहित प्रवाहित कर दें, मतलब बहा दें 8-8 छुआरों को। चलिए अब चलते हैं अपने पांचवें टोटके की तरफ। वह कहता है कि सोमवार को पीला धागा अपनी लंबाई से 7 गुना लंबा लेकर शिव पार्वती की मूर्ति पर लपेटें। तो याद रखे, लपेटने के बाद आप उस पर गांठ ना बांधे। चलिए अब चलते हैं छठे नंबर के उपाय पर। यदि प्रेमी से विवाह करना चाहती हो या फिर प्रेमी प्रेमिका से करना चाहता हो विवाह, तो आप पूर्णमासी को बरगद के पेड़ की 108 परिक्रमा करें, याद रखिएगा पूर्णमासी। चलिए अब चलते हैं सातवें टोटके की तरफ, जो कहता है कि 1.25 मीटर काले कपड़े में 1 रुपये और 125 ग्राम काले तिल और 125 ग्राम काली साबुन उड़द व 1 तांबे का तार और 1 तेल की शीशी आप इसमें डालें और उसकी आप पोटली बना लें और शुक्रवार रात को सिरहाने रखकर सो जाएं। अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले, सूर्य होने से पहले पोटली को किसी भी पौधे की जड़ में चुपचाप दबाकर आ जाए। वह थी महत्वपूर्ण टोटका चाहिए बंधुओं। चलिए अब चलते हैं आठवें टोटके की तरफ, जो कहता है कि गुरुवार को आटे की लोई पर चने की दाल, गुड़ व पीली हल्दी रखकर गाय को खिलाएं। जब जब गुरुवार आए तो आप ये क्रिया कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं नौवां उपाय, जो कि आखिरी है उपाय। सूखे गोले में नारियल होता है, उसको गोला कहा जाता है, जब वो सूख जाता है तो सूखे गोले में आटा भूरा घी मिलाकर पीपल के पेड़ के नीचे रखें। आप ये नियमित रूप से कर सकते हैं हफ्ते में 3 बार। तो बंधु हमने जो आपको बताए हैं टोटके 9, उनमें से कोई आप अपनी सुविधा अनुसार कोई 3 टोटके अवश्य करें।
बंधु, ये थे कुछ उपाय जिनको आजमाने से आप अपने क्लेम संबंधों को वापस पटरी पर ला सकते हैं, बशर्ते आप कोई 3 या 4 उपाय नियम व संयम व सटीकता से करें। अगर आप हमारे चैनल पर सबसे पहली बार आए हैं तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ताकि अन्य लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।